स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हमें इन दिनों खूब ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मंजरी हो गई है गायब। लेकिन अब जब अभिमन्यु को उसकी माँ मंजरी मिलेगी तो मिलेगी बहुत ही बुरी हालत में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि सब बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। अभिमन्यु और अक्षरा इन दोनों ही ढूंढ रहे होंगे मंजरी को। ऐसे में अभी की हालत बहुत खराब होगी। तब अक्षरा उसकी बाइक रुकवाएगी और उससे पूछेगी उसे क्या हुआ है। अभी को अपनी माँ की याद आ रही होगी और वो परेशान हो रहा होगा, लेकिन अक्षरा उसे गले लगाकर उसे दिलासा देते हुए नजर आएगी। तभी कायरव वहाँ पर आएगा और अभी कायरव को कहेगा कि वो अक्षु को अपने साथ ले जाए। इसी के साथ आप देखेंगे कि दूसरी ओर महिमा, जो कभी मंदिर नहीं जाती, जो कभी भगवान के सामने पूजा नहीं करती, इस बार अपनी बहन मंजरी के लिए वो मंदिर जाकर पूजा करने वाली है कि मंजरी सही सलामत उन्हें मिल जाए। और यहाँ आप देखेंगे कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ होता है, अभिमन्यु वहीं पहुंच जाएगा और वो अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखेगा, जिसके बाद उसके होश उड़ जाएंगे। एक और ये सब हो रहा होगा तो दूसरी ओर आरू परेशान है, क्योंकि आरू जानती है कि उसी की गाड़ी से उसी से ये एक्सीडेंट हुआ है, और अगर किसी को भी ये पता चला तो उसका सब कुछ उससे छिन जाएगा। इसी वजह से वो अपनी गाड़ी पर लगा खून हटा देगी। वहीं आप देखने वाले हैं कि अभिमन्यु मंजरी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा। सबको ये बात पता चलेगी, सब हॉस्पिटल में पहुंचते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब अक्षरा अभिमन्यु को कहेगी कि वो जानती है कि वो हमारी माँ को बचा लेगा। तभी पुलिस वहां पर आएगी और इस केस की छानबीन करती हुई नजर आएगी और अभी कहेगा कि वो जरूर ढूंढे उस शख्स को जिसने किया है, वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और ये सारी बातें आरोही सुन रही होगी और वो और भी ज्यादा घबरा जाएगी। वेल, अब शो में क्या ट्विस्ट आने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।